कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2012 वैसे तो 2013 में हुई थी, लेकिन मॉडल पेपर में 2012 दे रखा है। निम्न में से कौन सा मैच गलत है? पॉपकॉर्न जियामेज एवोकाटा, स्वीटकॉर्न जियामेज इंडेंटा, पॉपकॉर्न जियामेज ट्यूनिकेटा, फ्लोरकॉर्न या सॉफ्टकॉर्न बोलते हैं जियामेज एमिलिसिना। तो कौन सा गलत है? स्वीट कॉर्न जियामेज इन डेंटा। सर्टिफाइड बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग लगा जाता है? नीला रंग का। ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियम। चने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? फ्लूक्लोरिलीन 0.75 केजी प्रति हेक्टर डालते हैं। राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना? 1964 में। गोल्ड राइस किस विटामिन की धनी होती है? विटामिन ए। गेहूं की 150 क्विंटल प्रति उत्पादन देने वाली फसल भूमि से कितनी मात्रा उर्वरक की अवशोषण करती है? नाइट्रोजन की 10 से 150 केजी, फास्फोरस 70 से 80 केजी, पोटास 125 से 150 केजी। तो ये गोल्ड राइस के विटामिन, गोल्ड राइस किस विटामिन की धनी होता है? विटामिन ए। बाकी जो किस्में होती है उसमें विटामिन ए की कमी पाई जाती है, जिसलिए इस गोल्ड राइस को बनाया गया है। भारत में खाद्य अनाजन फूड ग्रेन का उत्पादन पूछ चुका है 250 मिलियन टन प्रति वर्ष तक। तो फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? न्यूट्रल पर, यानी पीएच 7 का। विश्व के सबसे पहले खरपतवार नाशी का नाम निम्न में से कौन सा है? 2,4-DA। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? 2005-06 में। देश में उगाई जाने वाली सभी तिलहन फसलों में मूंगफली की खेती की जिम्मेदारी या योगदान है 40% क्षेत्रफल तथा 60% उत्पादन। गेहूं की कल्याण सोना किस्म है? डबल जीन ड्रॉप। देश में गेहूं का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है? 70 मिलियन टन। भारत गन्ने का उत्पादन निम्न में से सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में। सूरजमुखी की फसल है क्रॉस पोलिनेटेड यानी पर परागित फसलें। बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई विधि में दबाव प्रेशर रखा जाता है 1 से 2 केजी सेंटीमीटर, वैसे तो 1 से 4 केजी सेंटीमीटर रखा जाता है। निम्न में से कौन सा मूंग की किस्म है? तो सुनेना। गोमेती निम्न में से किसकी किस्म है? किसकी किस्म है गोमेती? चावला की। विजय किस्म किसकी है? चना की। भारत के मैदानी भागों के लिए सोयाबीन कौन सा किस्म संतुलित की गई है? अलंकार। निम्न में से किस प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है? आंध्र प्रदेश में। वरुणा निम्न में से किसकी किस्म है? सरसों की। पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन की प्रतिशत होती है 0.1%। बीकानेर संभाग की मृदाओं में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा होती है 65 केजी प्रति हेक्टर। सौंफ की फसल में पोटास की कितनी मात्रा डाली जाती है? 1 केजी प्रति हेक्टर। राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? मेथी की। धनिया की फसल में नाइट्रोजन की प्रति हेक्टर दिया जाता है 30 केजी प्रति हेक्टर। बरसीम की वृद्धि किस तापमान पर कम या रुक जाती है तथा फूल आना प्रारंभ हो जाती है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियम। बंजर भूमि के संवर्धन या संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई? 1985 में।
ऑल इंडिया सोइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन या पशुपालन का योगदान कितना है? औसतन 13%। अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? अधिक वर्षा। भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज़्यादा क्षेत्रफल है? एल्यूवियल, इसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं। गोबर की खाद में कितना फास्फोरस होता है? 0.2%, इसको 0.25 भी बोलते हैं। राजस्थान में कितना एग्रो क्लाइमेट जोन है? 10। चेरी बरसीम धान और मटर के फसल चक्र घनेता बताइए, तो 200% है। इसका सूत्र रहता है, उस अलग से निकालना पड़ता है। निम्न में से कौन सी खाद ड्रिप विधि के देना द्वारा उपयुक्त नहीं है? DAP। राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समिति है? 237। सीता किस्म किसकी है? चावल की। निम्न में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? तो भूसा ज्योति भी है, भूसा पालक और भूसा चिकना ऑल ग्रीन, इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से भूसा चिकना नहीं है। और NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के आदेश अनुसार 2009 और 2010 में फल उत्पादन प्रतिवर्ष था 71.5 मिलियन टन। बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने या रेटूल फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़ावपन किसके कारण आ जाता है? ग्लाइको एल्काइड के अधिक मात्रा के कारण आ जाता है। गाजर में कैविटी स्पॉट बनने का प्रमुख कारण है? पोटेशियम का अधिक तथा कैल्शियम का कम अवशोषण। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB के आंकड़ों के अनुसार 2010 और 2009 में सब्जी के अंतर्गत क्षेत्रफल था 7.98 मिलियन हेक्टर। मूली में तिखापन चरापन किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनाइड्स के कारण। आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है? भिंडी की। राजस्थान में फलों के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल है? 32,100 हेक्टर लगभग। RCH1 मिर्ची की किस्म कहाँ से निकली गई है? कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर, जिसको काजरी भी बोलते हैं। खरबूजे की कौन सी किस्म W29 हरा मधु के संकरण से निकली है? पंजाब रसीला। खीरे के पौधे पर इथ्राइलिन के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं? तो 200 ppm। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है? आम में। चिकन एंड हैंड डिसऑर्डर देहिक व्याधि किस फल की होती है? अंगूर की। अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ TSS डिग्री विक्स होते हैं 15 डिग्री। खजूर के पौधे के लगाने के लिए ऑफशूट का वजन होना चाहिए 12 kg। डिप्लोडियो स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है? आम का। केले की पनुपा या उकट्टा रोग रोधी किस्म है? पुवन। अमरूद की ललिता किस्म कहाँ से निकली गई है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च राजखेड़ा लखनऊ से। रत्ना तथा अल्फांसो के संकरण से आम की किस्म निकली गई है? सिंधु, इसको कैसे याद करें? RS में हो गया रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है SN सिंधु। अम्ल की केसर की किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखतया उगाई जाती है? तो कौन सी है? गुजरात में। आम की केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में मुख्यतः उगाई जाती है? गुजरात में। पश्चिमी राजस्थान में बेर के वृक्षों में कांट छांट पुर्निंग करने के उपयुक्त समय है? पुर्निंग जो डेली कांट छांट करते हैं, इसमें उपयुक्त समय कौन सा है? अप्रैल का अंतिम सप्ताह। आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं? मार्च में।
बेल के फल किस माह में पकते हैं? अप्रैल मई में। FPO यानी फ्रूट प्रोटेक्ट ऑर्डर 1955 के अनुसार GM यानी फल पाक में फल का अंश कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? 45%। आंवले का पनक यानी स्क्वेज बनाने हेतु कितना सिट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है? 0 ग्राम। देसी गुलाब के पुष्पों में रोज डोमेशियाना कितने प्रतिशत एसिशेशियल ऑयल पाया जाता है? तो 0.04। एक हेक्टर में गेंदे की खेती करने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 1.5 kg बीज की। मौसमी और माल्टा में प्रोपिगेशन या प्रावधान में निम्न से कौन सा मूलग्रंथ प्रयोग किया जाता है? सिट्रिक जेम में बरी। पंजाब स्यूट निम्न में से किसकी किस्म है? पपीता की। निम्न में से कौन सा कट फ्लोवर नहीं है? तो लाइनम यानी जो सजावट के या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए काम आते हैं फूल, उसको कट फ्लोर बोलते हैं। टमाटर के फलों में लाइकोपीन या पिगमेंट किस तापमान पर सर्वाधिक बनता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियम पर। एक हेक्टर में टमाटर पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल के बीज बोना चाहिए? 225 वर्ग मीटर। प्याज की खेती के लिए किस्म pH मान मर्दा उपयुक्त रहती है? यानी प्याज की खेती के लिए किस pH मान वाली मृदा उपयुक्त रहती है? 5.5 से लेकर 6.8। राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटेशियम की कितनी मात्रा देनी चाहिए? 100 kg प्रति हेक्टर। फूल गोभी की अगेती किस्म में फल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियम। निम्न में से किस्मों में फूल गोभी की कौन सी अगेती किस्म नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पूसा स्क्लेवियल पस्ट। एक लीटर संतरा के जूस का पनक यानी स्क्वेज बनाने में कितना परिरक्षक प्रयोग किया जाता है? 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का। फ्रेंच मेरी गोल्ड यानी फ्रेंच गेंदा होता है जो टेट्राप्लॉइड। एक किसान एक हेक्टर में आम का भाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8x8 मीटर हो तो मुख्य पौधे की कुल संख्या बताओ। तो इसका आंसर तो है 277 के लगभग, लेकिन इसको सूत्र आता है अलग से। पाइन एप्पल निम्न में से किस फल की किस्म है? स्वीट ऑरेंज की। जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग एवं उपभोग का विज्ञान कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? भेड़ में। खुरपका मूरपका रोग पशुओं के किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा या वायरस द्वारा। थारपारकर नस्ल निम्न से किसकी होती है? गाय की। उच्चतम प्रकार का गलीचा ऊन भेड़ किस नस्ल से प्राप्त होता है? चोकेला। कार्बोलिक एसिड है एक जीवाणु रोधक। पशुओं की आयु गणना की जाती है दांतों की संख्या देखकर। परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है या कहलाती है भेड़। मुर्गियों में चेचक रोग का कारण है विषाणु। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान तथा गुजरात के क्षेत्र में। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? प्राकृतिक प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन, भ्रूण प्रतिरोपण प्रजनन। तो उपयोग सभी प्रकार का होता है। राजस्थान में किस पशु की संख्या पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? बकरी की। भेड़ में यानी भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपभोग किया जाता है नीला तोता। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को। इसमें गलत निशान लगा हुआ है। दो भागों में बटा हुआ खुर होता है भेड़ में। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? प्रोलेक्टिन। पशुओं में गलगोट रोग का कारक है फेस्टुरेला मल्टोसिटा।
विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किसकी प्राप्त होती है? खरगोश से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन की किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। बैक्ट्रियन ऊंट में होता है, दो कुबड़ होते हैं। जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं कौन कौन से रोग हैं? खुरपका मूरपका, एंथ्रेक्स, तपोदिक, उपयोग सभी। तो इसका आंसर होगा उपयोग सभी। अगर आपने कहीं आंसर सही नहीं देखे हो तो इसमें से ये आंसर वाला है, इसमें से आप देख सकते हो।